हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं गुलफाम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार आज मेरी इस बाइक का आखिरी दिन है क्योंकि आज मैं इसको बेच रहा हूँ। इसीलिए मैंने सुबह सुबह इसको खूब अच्छे से धुलवा लवा दिया है। देखिए इस समय मेरी बाइक एकदम चमक रही, नई नई लग रही। वैसे नई है भी पुरानी ज्यादा नहीं हुई है, लेकिन ये आज मेरे पास से चली जाएगी। मैंने इस बाइक को आज से 3 साल पहले 17 जून 2018 को खरीदा था, जब मैं कॉलेज के लास्ट ईयर में था। मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा था तब मैंने इस बाइक को खरीदा था। और ये बाइक मेरे लाइफ की मेरी कमाई की पहली बाइक थी, या पहली इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं आप। मैंने पहली बार जो खर्चा किया था अच्छा खासा, और इसे मैंने अभी तक लगभग 17,000 किलोमीटर चला लिया। लेकिन मेरी बाइक पुरानी नहीं लग रही है, देखने में ना अब भी एकदम मस्त नई ही लगती है। बस थोड़ा बहुत इधर उधर कहीं से डेंट पेंट आ गया है, थोड़ा बहुत खरोच आ गया, नहीं तो बाइक अभी पूरी तरह से नई ही लगती है। लेकिन यार ये 100 cc की बाइक है, इसी वजह से इसमें ज्यादा पावर ज्यादा स्पीड हमको नहीं मिलती है। अब सिटी में चलाने में तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जब हम हाईवे पे जाते हैं ना तब थोड़ा बहुत लगने लगता है कि यार स्पीड और चाहिए होती, तब थोड़ा बहुत स्पीड की कमी लगती है। इस बाइक से मुझे कभी अभी तक कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन अब मुझे लेना है नई बाइक। तो अगर नई बाइक लेना है तो पुरानी वाली को बेचना पड़ेगा, नहीं तो दो दो बाइक रख के क्या करेंगे, है कि नहीं। ये बाइक आज मैं बेच दूंगा, उसके बाद मैं कोई अच्छी सी थोड़ा अच्छा खासा पैसा लगाकर कोई अच्छी बाइक लूंगा, जिसमें थोड़ा स्पीड भी खूब अच्छा खासा हो, माइलेज उतना प्रॉब्लम, माइलेज अच्छी बाइक में कहाँ मिलता ही है यार। लेकिन मुझे लेने की कोई जल्दबाजी नहीं है अभी, क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है, अभी उतना बाइक मैं चलाता भी नहीं हूँ। ये भी काफी दिन से जब से थी खड़ी ही थी, बहुत ज्यादा मैं चला नहीं रहा हूँ। आजकल मैं साइकिल ही ज्यादा चलाता हूँ, इसीलिए आराम से सोच विचार के कोई अच्छी सी बाइक लेंगे। और मैं जहाँ भी वीडियो बनाने आया हूँ ना, ये कैंटोनमेंट एरिया 39 GTC, यहीं पीछे हम लोग का एग्जाम सेंटर हुआ करता था। ये जो जंगल दिख रहा है ना, इसी के पीछे एक स्कूल है जहाँ पर हम लोग का सेंटर हर साल आता था कॉलेज का। फाइनली मेरी गाड़ी अब मेरी नहीं रही, इसका काम हो चुका है। अब इसके नए ओनर अब इसको लेके जा रहे हैं।